आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बेनामी संपत्ति मामले में घिरे लालू और उनके परिवार के खिलाफ शुक्रवार को सीबीआई ने भ्रष्टाचार का एक नया केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। साल 2006 में रेलवे का होटल निजी कंपनी को देने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुसीबत बढ़ गई है। सीबीआई की तरफ से लालू के 12 ठिकानों पर की गई छापेमारी को लेकर सीबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें छापेमारियों को लेकर पूरी जानकारी दी गई। अब कपिल मिश्रा को हलफनामे के साथ सबूत भी देना होगा। लोकायुक्त ने कपिल मिश्रा को निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। दिल्ली के दिलशाद कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग में एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक महिला को अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास बने नाले में दर्दनाक हादसा हो गया। इस नाले में 2 सगे भाइयों सहित 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर थाना पुलिस ने महज 36 घंटों के अंदर एक 2 साल के लापता बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया। पड़ोस में रहने वाले युवक ने ही इस बच्चे को किसी गिरोह को बेच दिया था। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाने की मुहिम तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में रोहिणी सब डिवीजन में एसडीएम ने मंगोलपुरी के करीब 3 दशक से ज्यादा पुरानी और मशहूर कतरन मार्केट पर बुलडोजर चलवाकर वहां के अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। एक तरफ दिल्ली सरकार बढ़ी हुई दर से पेंशन देने का दावा तो कर रही है, तो दूसरी तरफ पेंशन की उम्मीद लिए बुजुर्गों का सरकारी दफ्तर का चक्कर काट काट कर बुरा हाल हो गया है। आलम यह है कि पिछले 15 से 20 दिनों से बुजुर्ग, महिला, विधवा और विकलांग समाज कल्याण विभाग दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, पर काम हो नहीं पा रहा है।